सो हे गाइस, आज का जो वीडियो है हमारा ये बेसिकली होने वाला है बक कन्वर्टर के ऊपर। और इस वीडियो के अंदर में गाइस यूज करके दिखाएंगे कि किस तरह से जो बक कन्वर्टर है आप यूज कर सकते हैं, कहां कहां प्रोजेक्ट में आप जो है बक कन्वर्टर को लगा सकते हैं। और ये कन्वर्टर जो है हमारा 10 एम्पीयर तक सपोर्ट कर लेता है। इसमें गाइस आप जो है ज्यादा वोल्टेज देके आप जो है कम वोल्टेज इजिली ले सकते हैं इससे। आप इसमें जो है प्रीसेट लगे होते हैं और एम्पीयर को भी आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपकी लिथियम बैटरी है या फिर आपकी कोई बड़ी बैटरीज है, आपको अडेप्टर नहीं मिल रहा है या फिर आपको पावर सप्लाई नहीं मिल रही है उसको चार्ज करने के लिए, सो आप जो है गाइस इस बक कन्वर्टर को यूज करते हुए आप इजीली जो है उन बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। काफी सारी जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो चलो देखते हैं। सो गाइस चलिए यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको कि ये रहा गाइस हमारा यहाँ पे बक कन्वर्टर। और इसको जो है गाइस काफी सारी इसमें डिटेल बताने वाला हूँ मैं आपको। और एक बात मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, जब भी आप इसको परचेज करें ऑफलाइन मार्केट में या फिर ऑनलाइन मार्केट में, तो आप ध्यान रखें कि आपको ये जो वाइंडिंग है ये पूरी फिलअप मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो से तीन ही वायरिंग यहाँ पे की गई है। इसमें जो है गाइस देख सकते हैं पूरी फिलअप की गई है वाइंडिंग। तो ये जो मॉड्यूल है आपका ये ओरिजिनल है, ठीक है। इसमें डुप्लीकेट भी आता है तो मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पे पीछे की साइड में यहाँ पे आपको जो है फिनिशिंग काफी अच्छी मिलनी चाहिए, जिस तरह से यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही है। और यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे जो हीटसिंग है वो भी काफी क्लियर लगाई गई है, मतलब इसकी जो शेप है वो काफी अच्छी तरीके से बनाई गई है। बाकी जो डुप्लीकेट वाला है उसमें हीटसिंग भी थोड़ी अजीब टाइप की लगी हुई है, तो आप ध्यान रखना उसका। अब गाइज यहाँ पे देखते हैं कि आखिर हमें जो इसके कनेक्शन है वो किस तरह से यहाँ पे करने हैं। तो भाई गाइज यहाँ पे जो है आपको इसमें दो कनेक्टर मिलते हैं, मतलब इसमें आपको जो है इनपुट और आउटपुट के लिए कनेक्टर्स मिलते हैं। तो यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं इसमें इसमें आउटपुट के लिए भी वायर दिए गए हैं और इसमें इनपुट के भी वायर दिए गए हैं। तो मैं आपको बताता हूँ गाइस, इसमें जो है आप 10 एम्पियर तक का आप कोई भी अप्लायंसेज यूज यहाँ पे कर सकते हैं। 10 एम्पियर गाइस बहुत होते हैं क्योंकि हमारे जो मैक्सिमम डिवाइस होते हैं तो 10 एम्पियर के अंदर अंदर में ही बनाए जाते हैं। तो आप जो है काफी अच्छे तरीके से इसको यूज में ले सकते हैं। और यहाँ पे दूसरी बात गाइस, यहाँ पे आपको जो है दो यहाँ पे प्रीसेट आपको मिलते हैं जिससे आप जो अपनी वोल्टेज को एडजस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। और एम्पियर के लिए भी यहाँ पे अलग से दिया गया है, तो आप इसको ये देख सकते हैं, ठीक है। कैपेसिटर वगैरह लगाए गए हैं इसमें, यहाँ पे जो है ये पावर के लिए जो आपको ट्रांजिस्टर्स वगैरह हैं ये लगाए गए हैं। बाकी आप यहाँ पे आप पीछे की साइड में एसएमडी कंपोनेंट्स को देख सकते हैं जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ। और अगर आपको ये गाइस परचेज करना है तो आपको वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा, तो डायरेक्ट जाके आप वेबसाइट को देख सकते हैं और वहां से इसको परचेज भी कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे कितनी वोल्टेज देनी है और आपको कितनी आउटपुट लेनी है वो मैं आपको बताता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आप गाइस मिनिमम 4 वोल्ट से लेके आप 24 वोल्ट तक इसमें जो है इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं। और आपका ये जो मॉड्यूल है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे वर्क कर देगा। बाकी अभी मैं आपको वर्क करके भी दिखाऊंगा किस तरह से इसमें आपको जो है वर्क मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ से आप बाकी इसको जो है जो आपकी वोल्टेज होगी उससे आप एडजस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। आपको जो है जो वायर लगाने हैं वो यहाँ पे इनपुट पे लगाने हैं, आउटपुट के लिए आपको यहाँ से मिल जाएगा बाद में, ठीक है। आप अप्लायंस यहाँ पे कनेक्ट कर दें और इनपुट के लिए आपको जो 12 वोल्ट है, 24 वोल्ट है या फिर आपको 4 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, जो भी आपको कनेक्ट करना है वो आप यहाँ पे इसमें कनेक्ट कर दें। और इसकी जो गाइज मेन अप्लायंसेज हैं, मतलब आप जो एप्लीकेशन इसकी जो यूज़ करते हैं वो मैं बता देता हूँ। इसमें जो है आप बैटरी चार्जिंग के लिए आप इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी प्रॉपरली वर्क करता है। उसमें लिथियम बैटरी हो गई आपकी या फिर आपको कोई ऐसा डिवाइस चलाना है जो कि काफ़ी सेंसिटिव है वोल्टेज के उसमें, तो आपको जो है इससे एडजस्ट करके मीटर से चेक करके वोल्टेज को और ईजिली आप जो है इसमें यूज़ में ले सकते हैं। चलो गाइज अब जो है इसकी मैं जल्दी जल्दी से वायरिंग कर लेता हूँ, कोई लंबी चौड़ी खेल नहीं है। वायरिंग क्या करनी है, बस 2-4 वायर इसमें से निकाल देना है, आपकी वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी। एक डिवाइस के लिए और एक आप ये मॉड्यूल को ऑन करने के लिए, मतलब पावर के लिए। चलो मैं इसको जल्दी जल्दी से कर देता हूँ, क्लिप्स को कनेक्ट करता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको कि अभी मैं जो है यहाँ पे इस टाइप की क्लिप्स को यूज़ करूँगा कनेक्ट करने के लिए। तो कनेक्ट करके मैं जल्दी से आपको दिखाता हूँ। गाइज हमने यहाँ पे जो है वायरिंग यहाँ पे कर ली है। गाइज देख सकते हैं इसमें हमने जो है प्लग लगा दिया है, 12 वोल्ट का यहाँ पे अडेप्टर हम यहाँ जो है कनेक्ट करने वाले हैं, देख सकते हैं पीछे की साइड में। और हाँ गाइज आपको एक बात का ध्यान रखना है, इसमें आप पॉजिटिव में पॉजिटिव लगाएं, नेगेटिव में नेगेटिव, जिससे जो है आपका ये जो बोर्ड है वो खराब नहीं होगा। अगर आपने इसमें वोल्टेज प्रोवाइड कर दी और आपने जो है इसमें प्लस माइनस में दिक्कत की तो आपका जो बोर्ड है ये खराब भी हो सकता है, ठीक है। सो ध्यान रहे, हमने जो है यहाँ पे ये कनेक्ट कर दिया है। हम यहाँ पे जो है अडेप्टर यूज़ कर रहे हैं 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर का। और यहाँ पे जो है हमने इसमें आगे ये दो इस तरह से क्लिप लगा दिए हैं जिससे हमें जो है इजीली हम कुछ भी चीज़ यहाँ पे चलाएं तो इजीली यहाँ पे जो है चल जाए। चलो मैं अब यहाँ पे जो है इसमें कनेक्ट करता हूँ अपने अडेप्टर को और देखता हूँ कि यहाँ पे जो है इसमें सप्लाई आती है या फिर नहीं। सो यहाँ पे जो है हमारा जो मॉड्यूल है वो यहाँ पे इजीली यहाँ पे चल चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे, और ग्रीन लाइट अभी यहाँ पे शो कर रहा है। गाइस इसमें दो इंडिकेटर शो होते हैं, एक आपके यहाँ पे जो है रेड कलर में होगा और एक यहाँ पे आपका ग्रीन कलर में होगा। तो गाइस ध्यान रखें। और अभी मैं जो है यहाँ पे मल्टीमीटर को भी लेके आता हूँ जिससे आपको इजीली पता चल जाएगा
कि यहाँ पे जो आपकी वोल्टेज है वो आगे जो है वो कितनी मिल रही है। ठीक है, सो अभी मैं जो है क्या करता हूँ, यहाँ पे मल्टीमीटर को साइड में रख लेता हूँ, देन आपको मैं दिखाता हूँ। सो अभी आपको जो है यहाँ पे इजीली यहाँ पे शो हो जाएगा, और अभी मैं मल्टीमीटर को भी ऑन कर लेता हूँ। बाकी यहाँ पे सबसे पहले मैं जो है लीड्स को यहाँ पे इजीली इसमें कनेक्ट करता हूँ, उससे पहले एक मिनट में मल्टीमीटर को ऑन कर लेता हूँ। सो यहाँ पे आपको जो है मल्टीमीटर भी शो हो रहा है, और यहाँ पे आपको जो है मॉड्यूल भी शो हो रहा है। ठीक है, और इसमें जो है मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। सो गाइज यहाँ पे जो है मैंने इसमें जो है कनेक्ट किया, तो यहाँ पे अभी 12 वोल्ट 22 कुछ यहाँ पे करके आ रहा है, 12 वोल्ट 2। तो यहाँ पे हमारी जो पावर सप्लाई है वो कनेक्ट हो चुकी है, मतलब डिवाइस हमारा अच्छे तरीके से प्रॉपरली काम कर रहा है अभी, और यहाँ पे आपको जो है मीटर में भी शो हो रहा है। अभी अगर आप यहाँ पे जो इसमें जो वेरिएबल रेजिस्टेंस दिए गए हैं, जो प्रीसेट्स दिए गए हैं इसमें, अगर मैं इनको अभी यूज़ करता हूँ, मतलब इसको घुमाता हूँ, ज़्यादा कम करता हूँ, तो यहाँ पे वोल्टेज भी फ्लक्चुएट होने वाली है। तो मैं यहाँ पे जो है करके दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से आपको जो है ये करना है। सो यहाँ पे जो है हमारी वोल्टेज जो है कम होना स्टार्ट हो चुकी है, ये काफ़ी ज़्यादा बार जो है घुमाना पड़ रहा है। मैंने सोचा कि ये जो है ख़राब हो गया है शायद, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको जो है ये बहुत ज़्यादा घुमाना पड़ेगा, उसके बाद आपकी जो वोल्टेज है वो धीरे 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 यहाँ पे कम होती चली जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारी 12 वोल्ट थी, अभी 8 वोल्ट है, 7 वोल्ट आ चुकी है। और इससे गाइस एडजस्ट करके आप जो है बैटरी को, लिथियम बैटरी को, या फिर आपके पास जो भी डिवाइस है आप उसको ईजिली यहाँ पे जो है चला सकते हैं। 4 वोल्ट हो गई है अभी यहाँ पे, और 3 वोल्ट, 1 वोल्ट आ चुकी है। सो इस तरह से गाइज आप जो है इसमें काम को कर सकते हैं, और इससे कम नहीं आप कर पाएंगे यहाँ पे, मतलब 1.2 वोल्ट तक इसमें जो है चलेगी, और उसके बाद जो है आप जितना उसको फिर बढ़ाएंगे ये फिर से इंक्रीज हो जाएगा आपका, और ये फिर से आपका जो है काम करना स्टार्ट यहाँ पे कर देगा। मतलब मिनिमम आप जो है इसको 0 तो कर ही नहीं सकते, है ना, 1.2 वोल्ट तक ही आपका जो है ये मैक्स मिनिमम जाएगा, और मैक्सिमम आप जो है इसको जितनी आप वोल्टेज इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं उतना इसका मैक्सिमम हो जाएगा। बेसिकली गाइज ये जो है प्रोजेक्ट वगैरह में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और अभी मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अभी मैं इसको जो है एम्पियर भी चेक करके देखूंगा कि आखिर एम्पियर हमारे किस तरह से बढ़ते हैं या घटते हैं। ठीक है, सो इसको जो है मैक्सिमम कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये मैक्सिमम हो गया है हमारा 12.2 वोल्ट। ठीक है, और इसमें अभी मैं यहाँ पे मोटर वगैरह को अटैच करके देखता हूँ कि आखिर लोड ले भी पाता है या फिर नहीं ले पाता है। तो मैं मोटर यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, इसको मैं एक बार यहाँ पे हटा लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मोटर मोटर की स्पीड को भी हम देखेंगे, क्या यहाँ पे जो है ये चल रही है या फिर नहीं चल रही। तो 775 की मोटर है, और इसको भी मैं जल्दी से यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ और देन देखते हैं। सो गाइस मोटर तो यहाँ पे जो है रोटेट होना स्टार्ट हो चुकी है, और अभी मैं जो है इसका जो यहाँ प्रीसेट है इसको मैं एक बार घुमा के देखता हूँ कि आखिर ये जो है किस तरह से वर्क यहाँ पे करती है। सो चलिए देखते हैं एक बार। सो गाइज यहाँ पे जो है अगर मैं इसको यहाँ पे घुमा रहा हूँ तो इसकी वोल्टेज कम हो रही है, जिसकी वजह से जो हमारी मोटर है उसकी स्पीड भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, आप आवाज़ से भी पता कर सकते हैं। सो स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है इसकी, देन यहाँ पे जो है आप फिर से इसकी स्पीड को जो है दोबारा से इन्हेंस कर सकते हैं। आप जो भी डिवाइस चलाना चाहते हैं आप इसमें डिवाइस ईजिली चला सकते हैं, और अभी देख सकते हैं इसकी स्पीड काफी यहाँ पे बढ़ चुकी है। सो गाइस यहाँ पे जो है इसके एम्पियर भी इनहेंस हो जाते हैं इसमें। ठीक है, और अभी चलिए एक बार जो है मल्टीमीटर से टेस्ट करते हैं कि आखिर इसमें जो एम्पियर निकल रहे हैं वो कितने एम्पियर हमें जो है इस मॉड्यूल में से देखने के लिए मिल रहे हैं। और आप एम्पियर को भी गाइस यहाँ पे एडजस्ट इजीली कर सकते हैं इस मॉड्यूल की मदद से, जैसे कि आपको यहाँ पे लिथियम बैटरी को यहाँ पे चार्ज करनी है, देख सकते हैं जैसे मेरे पास ये वाली लिथियम बैटरी है, और अगर मैं इसको चार्ज करना चाहता हूँ तो मैं जो है यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दूंगा और इसमें वोल्टेज को सेट कर दूंगा इस प्रीसेट की मदद से, और यहाँ पे इसके एम्पियर हैं जो इसको भी मैं सेट कर दूंगा, तो हमारी जो बैटरी है वो इजीली यहाँ पे जो है चार्ज हो जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, और चलिए अब देखते हैं एक बार एम्पियर किस तरह से हमें जो है इसमें चेक करने हैं। सो अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अब आपको ये जो अपना मल्टीमीटर है, एक मिनट, अपना जो मल्टीमीटर है यहाँ पे जो एम्पियर के लिए दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे 10 ADC, इस वाली लीड को आपको जो है इसमें लगा देना है, निकाल के इसमें लगा देना है। लगाने के बाद आपको जो है ये जो
प्रोब है इसकी, ये आपको एम्पियर पे सेट कर देनी है। देख सकते हैं यहाँ पे 10 एम्पियर लिखा हुआ है, तो हमारा जो मॉड्यूल है वो 10 एम्पियर का है, तो आप जो इसको सेट कर सकते हैं, इसके अंदर में जितना भी एम्पियर होगा वो यहाँ पे आपको जो है कैलकुलेट करके इजिली बता देगा। तो चलिए एक बार जो है मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करके देखता हूँ और देन आपको पता चल जाएगा कि इसमें एम्पियर मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, या फिर हमें जो है इसमें कोई अप्लायंस कनेक्ट करना पड़ेगा। सो अभी तो यहाँ पे जो है कुछ भी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो अभी जो है हम क्या करते हैं इसमें ये जो मोटर है हमारी इसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद देखते हैं कि आखिर ये जो है चलता है या फिर नहीं। तो मैं जो है क्या करता हूँ इसमें जो ये रेड वाला वायर है इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, और ये जो हमारा ब्लैक वाला है ब्लैक वाले को मैं इस पॉइंट पे कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट करने के बाद और इसको जो इस वाली जो प्रोब है आपकी ये आपको इस पर कनेक्ट कर देनी है, तो देन आपका जो इसमें एम्पियर शो होना स्टार्ट हो जाएगा आई थिंक, तो देन आपको पता भी चल जाएगा। बाकी मैं यहाँ पे जो है एम्पियर को भी एक बार लीड को हिला के देखता हूँ कि हाँ यहाँ से जो हमारी लीड है मतलब ये जो एम्पियर का पॉइंट दिया हुआ है इससे बढ़ता है या फिर नहीं बढ़ता है, फिर शो होता है या फिर नहीं। सो अभी तक तो कुछ भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है इसमें मल्टीमीटर में। सो गाइस यहाँ पे जो है आपको इसमें या तो मल्टीमीटर का जो पोर्ट है ये खराब हो सकता है जिसकी वजह से ये जो है काम नहीं कर रहा है, बाकी यहाँ पे जो मोटर है वो काफी अच्छे तरीके से काम कर रही है। गाइज यहाँ पे हमने जो है मल्टीमीटर तो चेंज नहीं किया, लेकिन हमने यहाँ पे जो है एलईडी को चेंज कर दिया है, जो कि यहाँ पे जो है इसमें जो ये मोटर थी ये काफी ज्यादा लोड ले रही थी, तो हमने जो है इस वाली एलईडी को यहाँ पे यूज करके देखा है। अब देखते हैं, चलो इसको कनेक्ट करते हैं और इसमें फिर देखते हैं कि इसमें एम्पियर शो करता है या फिर नहीं। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जल्दी से यहाँ पे जो है इसको कनेक्ट कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले हमें जो है इसको यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा, जो ये है इसको कनेक्ट करते हैं। चलिए सो यहाँ पे मैंने इसको जो है एक मिनट यहाँ पे इसको इस तरह से कनेक्ट कर देना है, और यहाँ पे ये जो दो वायर बचेंगे आपके इसको आप जो है इसमें लगा दें, ठीक है, तो जिससे क्या होगा आपकी इसमें एलईडी जो है उसका एम्पियर जो है यहाँ पे इजीली निकल के आ जाएगा, मल्टीमीटर में भी शो यहाँ पे कर देगा। मैंने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे अब इसमें जो है आपको एम्पियर शो हो रहा है लेकिन माइनस में शो हो रहा है हमने क्योंकि वायर उल्टे कर दिए होंगे शायद। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें जो आपका एम्पियर है वो शो हो रहा है 0.18 एम्पियर यहाँ पे शो कर रहा है। अभी अगर मैं यहाँ पे इसकी जो प्रोब है इसको अगर मैं घुमाता हूँ मतलब जो ये प्रीसेट है अगर मैं इसको घुमाता हूँ तो इसमें जो है कोई भी फर्क यहाँ पे नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर मैं इसकी जो वोल्टेज है उसको यहाँ पे जो है इंक्रीज करता हूँ या डिक्रीज करता हूँ सो आपको जो ये देखने के लिए मिलेगा कि आपका जो ये एम्पियर है इसमें भी अभी भी कोई यहाँ पे वर्क नहीं हो रहा है। तो मैं इसको दोबारा से लगा के देखता हूँ, हाँ तो अभी भी इसमें कोई वर्क नहीं हो रहा है। सो देन इसका मतलब यहाँ पे जो है ये एक ही परमानेंटली आपको जो एम्पियर है वो शो करेगा, मतलब जो डिवाइस आप चलाएंगे उसका एम्पियर आपको ये शो कर देगा आई थिंक, क्योंकि यहाँ पे जो है किसी भी ट्रिगर से मतलब जो दोनों प्रीसेट हैं उससे कोई भी यहाँ पे काम यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो आई थिंक इसमें जो इसमें प्रीसेट दिया गया है ये आपको फिक्स ही रहेगा, लेकिन एक आपका जो प्रीसेट है इसमें कम ज़्यादा होता रहेगा जिसकी वजह से यहाँ पे आपकी जो वोल्टेज है या फिर जो आपका डिवाइस है जो चल रहा है उसका आपको पता चलता रहेगा कि कितने एम्पियर से यहाँ पे जो है चार्ज हो रहा है या फिर कितना एम्पियर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। आप मल्टीमीटर से इजीली यहाँ पे चेक यहाँ पे इजीली कर सकते हैं इसको, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो है इसकी रेड लाइट भी हो जाती है अगर आप इसके यहाँ पे प्रोब वगैरह को ज़्यादा कर देते हैं या फिर एम्पियर को ज़्यादा कर देते हैं वोल्टेज को, तो यहाँ पे रेड लाइट इंडिकेट करता है जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो डिवाइस है वो खराब भी हो सकता है, तो आप उसके वोल्टेज जो है या फिर जो एम्पियर है उसको आप कम कर लें, ठीक है। सो आई होप गाइज आज की इस वीडियो में हमने जो है इसको प्रॉपरली देखा कि किस तरह से हम जो है इसको यूज़ कर सकते हैं, बक कन्वर्टर बोलते हैं, एम्पियर वगैरह सारी चीज़ें देखी हमने और यहाँ पे वोल्टेज देखी किस तरह से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब आपको इसमें एडजस्टेबल पावर सप्लाई बनानी या फिर कोई और डिवाइस बनाना है तो आप इसको ईजिली यहाँ पे यूज़ में ले सकते हैं, काफ़ी बढ़िया डिवाइस है। प्रोजेक्ट में यूज़ करना है तो आप प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं इसको। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा यूजफुल लगी होगी, और अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई सवाल है तो आप जो है कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ गाइज अगर आपने हमारी वेबसाइट को विजिट नहीं किया है, जो भी आपको कंपोनेंट्स मैंने आपको दिखाते हैं हम अपने चैनल के ऊपर या फिर आप जो वीडियोज़ में देखते हैं, अगर आपको वो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे परचेज करना है तो आपको वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में, तो डायरेक्ट जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और हमारा दूसरा चैनल भी आ चुका है इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान, तो जाओ जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लो, उसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा, तो डायरेक्ट जाके विजिट करो।